मैंने भी उसमें दबा दी। तो मैं आज आ चुका हूँ यूपी बाइस बेस्ट ढाबा जो कि है अपना रामपुर में। चलिए आज आपको लेके चलते हैं अंदर और पूरा टेस्ट बताने वाले हैं, यहाँ का पूरा रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं कैसा है और पूरा मेन्यू वगैरह सब जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ ऐसा लुक है यूपी बाइस बेस्ट ढाबे का। सनलाइट पीछे है तो थोड़ी इग्नोर करना। और यहाँ पे जो है गाड़ियों की पार्किंग है पूरी फोर व्हीलर की, और टू व्हीलर है तो वो बाहर ही खड़े रहेंगे गेट पे। चलते हैं अंदर से, अंदर चलते हैं, अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं पूरा और बताते हैं कैसा मेन्यू है और कैसे यहाँ की सीटिंग है। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे जो है काफी सारे बच्चों के लिए टॉयज वगैरह झूले वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है पंचिंग जंपिंग भी है जिसका जो है प्राइस है 200 रुपए पर बच्चा, ठीक है ना। और शायद 10 मिनट झुलाएंगे। और एलोप्लेन वाले को मैं बता दे रहा हूँ इसका है 50 रुपए, ठीक है। तो बाकी चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा इंटीरियर। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे जाने के लिए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो बस चलते हैं इसके अंदर और यूपी बाइस में एंट्री करते हैं। बाकी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और रवि सर यहाँ पहले भी आ चुके हैं तो रवि सर का रिव्यू काफी ज्यादा अच्छा रहा है। मैं पहली बार ट्राई करता हूँ, बाकी चलते हैं अंदर फटाफट से, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ इंटीरियर है अंदर यूपी बाइस बेस्ट ढाबे का। और हम लोग यहाँ बैठ गए हैं तो हम लोगों ने अपनी सीट ले ली है जहाँ पे हमें लाइट तेज लगी। तो यहाँ पे जो है लाइट थोड़ी सी है तो हम लोग यहाँ बैठ गए क्योंकि मुझे लाइट चाहिए क्योंकि आईफोन से रवि सर शूट कर रहे हैं और गोप्रो है सत्यम भाई के पास। सत्यम भाई ने वापस ही नहीं करा और यहाँ पे जो है अभी गाने भी चल रहे हैं जबकि मैंने इनसे बोल भी दिया कि भाई गाने बंद कर दो, तो इनने गाने बंद नहीं करे। पुष्पा का गाना चल रहा है इस समय, आपको आ रहा होगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ। है अभी यूपी बाइस का मेन्यू और आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे कौन कौन सी डिशेज हैं, ठीक है। बाकी आप पूरे स्क्रीनशॉट मार के देख लेना, मैं आपको पूरा मेन्यू दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये कुछ मेन्यू होने वाला है विद रेट पूरा, ठीक है। ये देखो वाओ वाओ मेन्यू खत्म। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, वो है हमारे रवि सर के ऊपर क्योंकि देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। सुमित भाई क्या खाओगे? बस जो आप आपकी इच्छा है, जो मैं दिल से खिला दूं। कुछ भी। चलो भाई ऑर्डर करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या मंगाते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है और हमने कुछ नॉर्मल सा ही मंगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर है हमारा आलू प्याज पराठा जो हमारे साथ अमूल बटर के साथ सर्व हुआ है। और इधर है हमारा रामबाड़ मतलब डोसा, पनीर डोसा है या आलू, शायद आलू डोसा है, ठीक है ना। और इधर है हमारा पनीर पराठा, ये भी हमारे साथ बटर के साथ सर्व हुआ है। तो बस इतना ही हमने अभी मंगा रखा है यहाँ पे। और बाकी टेस्ट करते हैं और डायरेक्ट आपको रिव्यू नहीं बताएंगे, डायरेक्ट खाने वाले हैं। इटली फूड लग रही है हमें बहुत तेज। और बाकी ये दोनों तो अपने अपने भाई कामों में लगे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ पहले खा लो खाना, पहले ठंडा हो रहा है पर ये सुन ही नहीं रहे हैं भाई। खा लो भाई। तो भाई ये छोटा पनीर पराठा बहुत सही है, एकदम बिंदास घुल रहा है बटर जैसा, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली एकदम। ये भी पनीर पराठा है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं पनीर पराठा। ये देखो पनीर, देखिए पनीर। चलिए टेस्ट करके बताइए सुमित भाई कैसा है। वो बड़े हो रहा है, आई लव पनीर पराठा भाई, देख सकते हो कितना ज्यादा बटर में है। और पनीर पराठे में मजा आ गया भाई, जो भी है, ठीक है ना। बहुत पनीर पराठे में मजा आ गया जो भी है। अगर यूपी भाई खा रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा पनीर पराठा लो, मात्र 100 रुपए का भाई, मजा आ गया। सुमित भाई पूरी प्लेट साफ करते हुए और हम लोगों ने अपने अपने जो है सब फूड फिनिश कर लिया। दोस्त टेस्ट इतना अच्छा कि रहा नहीं जा रहा। और मुझे यहाँ का जो बेस्ट लगा ना वो लगा यहाँ का पनीर पराठा। पनीर पराठा इज द बेस्ट, वेरी बेस्ट, 100 रुपए में बहुत अच्छा टेस्ट। तो लो रवि सर और एक टिश्यू ये देखो, अरे पूरा आ गया भाई, इस बार पूरा आ गया। तो गाइस बिल आ चुका है और रिवील करता हूँ मैं आपको यूपी बाइस बेस्ट ढाबे में हमारा कितना बिल आया, ठीक है ना। ये देखो तो भाई बिल आया है हमारा मात्र 345 रुपए का। सुबह काफी के जो है बाहर निकल गए हैं तो अब आपको पूरा रेस्टोरेंट जो हूँ मैं विजिट करवाता हूँ कैसे कैसे पूरा है रेस्टोरेंट। और खाना जो था यहाँ का बहुत अमेजिंग था और हम लोगों ने पेट भर के खाया। और मुझे यहाँ का जो बेस्ट लगा, अगर आप अंडर 100 रुपीज में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है बेस्ट चीज़ आलू पनीर पराठा, ठीक है ना, 100 रुपीज में बेस्ट है, ठीक है। देख सकते हो ये पूरा लॉबी एरिया है, यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, ठीक है। पहले स्कूटर यहीं पे खड़ा था, टॉयलेट है यहाँ पे, वैसे तो ज्यादा बता दूं तो रूम्स हैं भाई यहाँ पे यूपी बाइस बेस्ट ढाबे के रूम्स है, कोई 101-2 नंबर, ठीक है ना। बाकी अमेजिंग, बहुत लिटरली अमेजिंग। रवि सर फूड बता दो एक बार, रियल बिल्कुल रियली फूड बता दो कैसा लगा। तो गाइस
हमें जो सबसे बढ़िया फूड लगा गाइस वो था हमारा पनीर पराठा। ठीक है, कितने रुपए का था? ठीक है, मात्र 100 रुपया कत्ता ही। हमने तो भाई दो खाए मंगा के, तभी तो दोबारा खाया। बाहर से जो है ना पूरा एकदम बिला वाला लुक दे रखा है यहाँ पे, और जो है इनके पास पीस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो एक गेट ये है जो है थर्ड गेट, तीसरे नंबर का गेट, तो यहाँ आप अपनी टू व्हीलर वगैरह खड़ी कर सकते हो, और पार्किंग के लिए इनके पास बहुत जगह है। और पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये है कुछ भाई यूपी बाइस ढाबा, यहाँ से चालू होता है और पूरा इतना बड़ा है पूरा। ठीक है ना, बीच में आपको बच्चों के लिए झूले मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आप बाहर जायका इन्जॉय करना चाहते हैं तो बाहर भी इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी भाई हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग किसी काम से रामपुर आए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं आपके लिए यूपी बाइस बेस्ट ढाबे की वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाए और बता दिया जाए कि यहाँ का टेस्ट कैसा है और पूरा रेस्टोरेंट कैसा है। तो कुछ इसमें चेंजेस भी हुए हैं, इसे कलर हुआ है और सीटिंग प्लान भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और भी ऊपर भी बैठने का यहाँ सीट है, पर मैं ऊपर गया नहीं, हम लोगों ने सिर्फ नीचे विजिट कर लिया, नीचे खा पी ना था हमने बस खा लिया। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था पर आ नहीं पा रहा था, मैं यहाँ खा के भी चला गया था दो तीन बार, पर फर्स्ट टाइम रिव्यू मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग लगा, और 100 रुपये में मात्र पनीर पराठा है, इतना बेस्ट मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने दो दो खाए और आप लोग खा सकते हो आगे यहाँ पर। तो आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं और कहाँ कहाँ की कौन कौन से रेस्टोरेंट की वीडियो आपको दिखाऊं और डालूं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो बहुत हैं ऐसे। मैं अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया, तो बहुत से लोगों को कोई और रेस्टोरेंट देखना होगा और बहुत से लोगों को ये भी देखना होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहीं की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ के भी मेरे पास दो तीन कमेंट आए थे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट्स हो रहे हैं। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।